धन्यवाद। हम लोग आंदोलन से आए तो सबसे पहले भारत माता की जय, इसे लड़ाई नहीं आई। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज रजौरी गार्डन के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए और साथ में उन लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए मैं आज यहां आया हूं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें यहां एक कार्यालय मिलता है, क्योंकि किसी भी जगह पर काम करने के लिए जब तक हमारे पास कोई जगह बैठने की जगह ना हो तो वहां विस्तार होना बहुत मुश्किल होता है। आज हमारे साथ हमारे मंच पर उपस्थित हमारे लोकसभा इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, संगठन मंत्री हमारे इंद्रजीत जी और जो यहां के प्रभारी भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, साथ में सुखपाल जी जिन्होंने आगे बढ़ाने में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा योगदान युवा मोर्चा के द्वारा दिया। आज फिर वो लगे हुए हैं इस काम में, सर्वजीत जी, बाकी हमारे बहुत सारे साथी जो आज यहां पर हैं, हमारी माताएं बहने, हमारे सभी बुजुर्ग, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस नए ऑफिस के प्रांगण में। जैसा कि आप जानते हो कि आम आदमी पार्टी काम तो बहुत अच्छे अच्छे कर रही है, दिन ब दिन नई चीज लेके आती है, उसको करने की कोशिश भी करती है और कहां कहां पर रोक दिया जाता है, किसके द्वारा रोक दिया जाता है, ये सब अच्छी तरह आप समझ रहे हैं। प्रशासन में हमारी पकड़ ना हो लेकिन जनता में हमारी पकड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं जनता के हित में कर रहे हैं। आज चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो और जो छोटी छोटी हमारी गरीब बस्तियां हैं उसके विस्तार का क्षेत्र हो, उसके अंदर विकास का काम हो। अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत बड़ी सोच है, उनका ये कहना है कि हमारे दिल्ली के बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। इसी के लिए हम लोगों ने अपने स्कूलों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया। दिल्ली की स्थिति ये थी कि हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पहले टेंथ वाले स्कूल होते थे, आप सब जानते होंगे क्योंकि हमारे बुजुर्ग बहुत रहते हैं यहां पर। टेंथ वाले स्कूल से धीरे धीरे परिवर्तन होते होते कुछ पक्के स्कूल बने, लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि जो हमारे यहां राजनेता पुराने रहे उन लोगों ने शिक्षा को उद्योग में बदल दिया और उन्होंने बढ़िया बढ़िया स्कूल बनाए अपने और सरकारी स्कूलों की स्थिति को बिगाड़ते चले गए। वरना हम कैसे लोग की सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हैं, उन्होंने स्थिति को बिगाड़ा और उसको व्यवसाय के तौर पर अपने स्कूलों को चलाना शुरू किया। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ये पहली ऐसी सरकार है पूरे हिन्दुस्तान के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। हमारी तो इच्छा ये है कि हमारे सरकारी स्कूल इतने बढ़िया हो जाए कि प्राइवेट स्कूलों को देखना बंद कर दें। हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं अपने यहाँ के, मैं तो जनकपुरी की बात बता रहा हूँ कि मैं अपने जनकपुरी के बड़े अच्छे पैसे वाले लोगों को जिनके बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं गांव में जबरदस्ती अपने स्कूलों में घुमाने ले जाता हूँ। बच्चे गुस्से की बात बोलते हैं कि दिल्ली सरकार ने प्राइवेट तो दे दिया क्या, मैंने कि दिल्ली सरकार ने ही बना दिया अपने यहाँ प्राइवेट बच्चे।